कुतुब शाही मस्जिद या छोटी सोना मस्जिद। स्थानीय रूप से छोटो सोना मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद के रूप में जाना जाता है, जिसे संत नूर कुतुब उल आलम के सम्मान में बनाया गया था। दस गुंबदों और कोने वाली बुर्ज वाली यह दो मंजिला मस्जिद सन 1582 में संत के अनुयायी और वंशज मखदूम शेख द्वारा बनवाया गया था। इसके बुर्ज पर दीवार की सतह और मुकुटों को सरकाया गया था। कुतुब शाही मस्जिद हजरत पांडुआ में स्थित है। 1583 ईस्वी में नूर कुतुब उल आलम के वंशज द्वारा निर्मित मस्जिद संत की कब्र और एकलाखी मकबरे के बीच स्थित है। यद्यपि यह 1576 में पश्चिम बंगाल की मुगल विजय के बाद बनाया गया था, इसकी उपस्थिति में यह गौर प्रकार की एक सल्तनत मस्जिद है। जिसमें कोने के टावरों पर गुंबद हैं। गुंबद मुगल डिजाइन में बने टावरों की विशेषता नहीं है और यह सवाल उठाते हैं कि क्या ये मस्जिद के निर्माण के समय बनाए गए थे या बाद में जोड़े गए थे। यदि इनका निर्माण गुंबदों के निर्माण के समय किया गया था जो अब गिर चुके हैं, तो वे भी मुगल किस्म के होने चाहिए थे। संभावना यह है कि वे राजशाही में बाघा मस्जिद की तरह बाद में संरचना को मुगल करने के लिए जोड़ दिए गए थे। मस्जिद की सामग्री कोर में ईंट और बाहर सादे पत्थर के स्लैब हैं। दिखने में यह काफी हद तक गौर लखनौती की बड़ा सोना मस्जिद जैसा है। मस्जिद का आयाम 25.10 मीटर है, 11.50 मीटर। इसमें उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाले दो गलियारे होते हैं, जो पूर्व की ओर से 5 नुकीले मेहराबदार द्वारों से प्रवेश करते हैं और दो ग्रिल खिड़कियों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर के बीच में एक एक। इसलिए कुल मिलाकर गुंबदों की संख्या 10 थी, जो पत्थर के बहुआयामी स्तंभों पर धोई गई सामान्य गौर किस्म के पेंडेंट पर बनाए गए थे। शीर्ष पर उत्कीर्ण मेहराब के साथ 5 मेहरब हैं, जो अब जीव शील किबला की ओर मध्य मेहराब के उत्तर की ओर एक उच्च कुलाव के साथ बिल्कुल अदीना मस्जिद के समान है। पल्पिट के सामने वर्तमान में एक आयताकार पत्थर का चबूतरा है, जो संभवतः एक स्थानीय संत फकीर का मकबरा है। यह बाद में जोड़ा गया था। स्ट्रिंग मोल्डिंग की सजावट कोने के टावरों के चारों ओर, दरवाजे के पैनल के ऊपर और ऊपर नक्काशीदार कंगनी के नीचे और मेहराब के चेहरे के क्रम में चलती है और स्पैंड्रेल पर रोसेट दिखाई देते हैं। अंदर टियर में पेंडेंट के सामान्य सजावटी डिजाइन और उजागर ईंट के मेहराब के उभरे हुए चेहरे हैं। गौर लखनौती की 12 और छोटा सोना मस्जिदों की तरह गुंबदों की गिल्डिंग होने के कारण मस्जिद को कभी कभी सोना मस्जिद कहते हैं।
एडीना डियर पार्क का रास्ता। एडीना डियर पार्क पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एडीना डियर पार्क। मालदा शहर से 21 किलोमीटर दूर। पाक राज्य में चीतल या चित्तीदार हिरणों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है और कभी कभी वे संख्या में बढ़ जाते हैं। पाक में नीलगाय की आबादी भी है। जंगल तितली और पक्षियों में समृद्ध हैं। एडीना डियर पार्क की स्थापना वर्ष 1982 में एडीना मौजा ब्लॉक गाजोल में एक हस्तांतरित निहित भूमि पर की गई थी, जो जिले के गाजोल ई पुलिस स्टेशन मालदा पश्चिम बंगाल में 25.30 N A पर 9.99 हेक्टेयर के क्षेत्र में दो पानी शामिल है। निकायों सेंट्रल जू अथॉरिटी CGA ने एडीना डियर पार्क को मिनी जू के रूप में सशर्त मान्यता दी। पाक मालदा वन प्रभाग के मंडल वन अधिकारी के प्रभार के अधीन है, जो पदेन निदेशक हैं। डियर पार्क का मुख्य उद्देश्य टू संरक्षण और शिक्षा, पौधों जानवरों पर अनुसंधान के लिए सुविधाओं को स्थापित करना और बनाए रखना है। आगंतुकों को जानवरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की कला से अवगत कराने के लिए संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, चित्तीदार हिरणों का आदान प्रदान करना है, चिड़ियाघर की श्रेणी में सुधार के लिए नए पशु प्राप्त करना, चिड़ियाघर पर्यटन के साथ साथ इको पर्यटन की सुविधा के लिए
समय समय पर जिले के विभिन्न हिस्सों से बचाए गए बीमार और घायल जानवरों और पक्षियों को पारगमन आश्रय प्रदान करना। वर्तमान में पार्क में 90 चित्तीदार हिरण और 8 नील गाय हैं। एडनर डियर पार्क कोलकाता से लगभग 350 किलोमीटर दूर है और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन मालदा टाउन है, जहां सभी ट्रेनें रुकती हैं। यह मालदा टाउन के उत्तर में 22.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औसत वार्षिक आगंतुक 72,000 से अधिक हैं। चिड़ियाघर साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुला रहता है। आधिकारिक संपर्क नंबर 03512252346।